वेल तो गाइज, आज की वीडियो में आप सबको सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेल आ चुका है और इस सेल में आप लोगों को ये फ़ोन सिर्फ 34,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को गैलेक्सी AI की सारे फीचर्स, जो 2024 में सैमसंग गैलेक्सी S24 लॉन्च हुआ था उसके जो सारे फीचर्स है गैलेक्सी AI, वो सारे फीचर्स आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 6.4 इंच की इमर्सिव डिस्प्ले देखने को मिलता है। पावर के लिए, ताकत के लिए आप लोग को एक्सिनोस 2200 की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करते हैं इसमें तो आप लोग को 4500 mAh की बैटरी भी मिलता है, जिसमें आप लोगों को वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को IP68 की रेटिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आप सबको इसके बारे में बताने वाला हूँ, गैलेक्सी AI फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, गैलेक्सी AI फीचर्स में क्या देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट करके आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हैं। वेल तो जो गैलेक्सी AI के फीचर्स है, जो हमें गैलेक्सी S24 सीरीज में देखने को मिलता था, वो सारे फीचर आप लोगों को पुराने डिवाइस लाइक S23 की सीरीज में, Z Fold 5 में और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं, सब डिवाइस का लिस्ट आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ, तो उनमें देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को जिस डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ, गैलेक्सी S23 FE फाइनल एडिशन, जो हमें 2 तारीख को सेल देखने को मिलने वाला फ्लिपकार्ट अमेजन पर, उस पर आप लोग को ये फ़ोन बहुत ही चीप प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिलने वाला है। तो गैलेक्सी AI फीचर्स के बारे में पहले जान लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद से आप लोग इस फ़ोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले फीचर्स की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च। आप कहीं भी रहेंगे, कुछ भी यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, सपोज़ आप सर्च कर रहे हैं, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, सिंपली आप लोगों को अपने नेविगेशन बार पर होम बटन पर लॉन्ग टैप करना है और आप लोग को यहाँ पर सर्कल कर देना है। सर्कल करते आप लोग उसकी डिटेल्स गूगल लेंस की मदद से आपको सिर्फ सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जगह काम करता है। अगर आप लोग कैमरा को ओपन करेंगे, कैमरा ओपन करते आप लोग को कुछ कैप्चर नहीं करना है, सिंपली आप लोग इस नेविगेशन बार पर टैप करना है और यहाँ पर सर्कल करेंगे तो उसकी डिटेल्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सर्कल टू सर्च काफ़ी हैंडी फीचर्स है, और जो ये फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आप लोगों को फ़ोन की सेटिंग में जाना है, एडवांस फीचर्स में जाना है, एडवांस इंटेलिजेंस में जाना है, और इसमें देख सकते हैं कि जो भी AI वाली फीचर्स है आपको यहाँ पर तो देखने को मिलता ही, इसके अलावा और भी फीचर्स है जिसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। कहीं भी कुछ भी सर्च करना हुआ लॉन्ग टैप करेंगे, डिटेल्स आपके सामने निकल के आ जाएगा। फ़ोन कॉल पर लाइव ट्रांसलेट की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आपने किसी को कॉल किया है, सामने वाले जिसको कॉल किया उसको हिंदी या फिर आपका लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप लोगों को सिंपली कॉल असिस्टेंट पर क्लिक करना और आप लोगों को यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और अगर सामने वाला पर्सन हिंदी में बात कर रहा है, आप लोग हिंदी समझ में नहीं आता है, आप लोगों को जो लैंग्वेज समझ में आता है वो लैंग्वेज आप लोग चूज़ कर सकते हैं, या फिर सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है या फिर और कोई दूसरा लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपको अपने लैंग्वेज में बात करना है, तो उसकी सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कॉल के टाइम ही आप लोग लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगली गैलेक्सी AI फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो देखने को मिलता है आप लोग को इंटरप्रेटर, तो ये आपके क्विक सेटिंग में ही देखने को मिल जाता है इंटरप्रेटर। आप लोग अपने क्विक सेटिंग में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो अब देख सकते हैं आप लोगों को, अब अगर दो लोग बात कर रहे हैं और उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसकी मदद से इंटरप्रेटर की मदद से आप लोग चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सपोज़ आपको हिंदी आता है, सामने वाले को फ्रेंच इंग्लिश कोई अदर लैंग्वेज आता है, तो आप लोग यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे और जो कुछ भी आप लोग यहाँ बोलेंगे सामने वाले को उस लैंग्वेज में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हिंदी में बात करें, सबसे पहले आप लोग हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर सेट कर लीजिए, और सामने वाला अगर किसी और लैंग्वेज में बात करता है, सपोज़ कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं इंग्लिश, आपको यहाँ पर लैंग्वेज पैक को सेट कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग हिंदी में बात करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले को तो मैं यहाँ हिंदी बात कर रहा हूँ, सामने वाले इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाता है। तो आप यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे, सामने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर जो भी लैंग्वेज पर आप लोगों ने सेट कर रखा होगा वहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा, वो भी लाइव होगा। एज यू कैन सी, तो ये है गैलेक्सी AI इंटरप्रेटर। अगली गैलेक्सी AI फीचर्स की बात कर लेते हैं, वो है नोट असिस्टेंस। तो अगर आपको नोट में कोई नोट्स है दोस्तों, बहुत लंबी नोट्स है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोगों को एक बटन मिलता है यहाँ पर नोट असिस्ट का, इस बटन में क्लिक करेंगे और आपको ये अच्छी तरीके से फॉर्मेट करके आपको समराइज करके वो दे देगा। ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, मतलब आपकी जो आर्टिकल है नोट में
उसे समराइज करके आपको दे देगा जो मेन मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ये हैंडी फीचर्स हो जाता है अगर आप लोग किसी लंबे आर्टिकल को बड़े आर्टिकल को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसे समराइज करके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नोट असिस्ट मदद से ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसे आप लोग रिप्लेस कॉपी ऐड टू कर सकते हैं, और ऑटो फॉर्मेट की भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें। हेडर बुलेट्स मीटिंग नोट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर गैलेक्सी AI फीचर्स की मदद से यहाँ पर देख सकते हो। बुलेट्स पॉइंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग सैमसंग के इंटरनेट ब्राउजर को यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोग को ब्राउजिंग असिस्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई आप लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबी आर्टिकल है, पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग फील हो रहा है, तो आपको इंटरनेट पर ही सैमसंग की जो इंटरनेट ब्राउजर है उसमें आपको इंटरनेट असिस्टेंट मिल जाता है। यहाँ पर ये बटन पर क्लिक करना आप लोगों को, और यहाँ भी आप लोगों को सेम ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर भी समराइज कर सकते हैं जो भी आर्टिकल है, आपकी जितनी भी लंबी आर्टिकल है उसे समराइज करके आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में दे देगा, और आप लोग यहीं पर इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सपोज आपकी जो लैंग्वेज यहाँ पर दिया आर्टिकल दिया गया वो दूसरे लैंग्वेज में आपको हिंदी में या फिर और किसी लैंग्वेज में करना है, तो आपको समराइज के साथ साथ वो आपको ट्रांसलेट भी करके दे देगा। तो ये है दोस्तों गैलेक्सी AI की कमाल फीचर्स। रिकॉर्डर ऑडियो, अगर आप लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग आपकी जो भी बात है उसे भी आप लोग यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को रिकॉर्डिंग को ओपन कर लेना है। रिकॉर्डिंग ओपन करने में तो आपको ट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। तो आप फिर आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज पैक जो है सेलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पर हिंदी सेट कर दूँ या फिर इंग्लिश हिंदी सेट कर दें, तो कोई भी सेट कर लेंगे, फिर ट्रांसक्राइब पर क्लिक करेंगे आप लोग, तो हमारी जो भी रिकॉर्डिंग है जो जिसे हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। अब लिखा हुआ आ जाता है हिंदी में या फिर जो लैंग्वेज आप सेट किए होंगे उस लैंग्वेज में आप लोग यहाँ ट्रांसलेट होकर आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गैलरी में आप लोग किसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं और उसे स्लो मोशन में प्ले करना है, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करते हैं आपकी जो भी वीडियो है, जो नॉर्मल वीडियो प्ले हो रहा है, वो आपको स्लो मोशन में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग अभी स्लो मोशन में देखने को मिल रहा है, और आप लोग इसे सेव भी कर सकते हैं। आप लोग एडिट में जाने के बाद इसे सेव भी कर सकते हैं, और स्लो मोशन जो है उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज करके अपने फ़ोन में इसे सेव कर सकते हैं। तो ये भी एक गैलेक्सी AI फीचर देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जाना है, वॉलपेपर में स्टाइल में जाना है, और फिर आपको जाना है चेंज वॉलपेपर में, और यहाँ पे आप लोगों को क्रिएटिव में चल जाना, और यहाँ पे जाना जनरेटिव में। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जनरेटिव यानी वॉलपेपर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिल जाता है, इमेजिनरी नाइट पेंटिंग। तो आपको कोई भी यहाँ पर टॉपिक को चूज़ कर लेना है, टेम्पलेट को चूज़ कर लेना है। सपोज मैं मिनरल को चूज़ करता हूँ यहाँ पर, और चूज़ करने के बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाता है, क्लोज अप इमेज ऑफ गैलेना विथ कूल ह्यूज। तो ये कमांड, ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको ये वाली इमेज देखने को मिलता है, और जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट देखने को मिलता है गैलेना, वहाँ पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आप लोग गैलेना की जगह पर क्या करना चाहते हैं। तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर पहले से ऑप्शन दिया गया वहाँ पर चूज़ कर देंगे, और कूल की जगह आपको कुछ और ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जनरेट करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर आपकी जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है उसकी मदद से आपको यहाँ पर एक वॉलपेपर जनरेट करके AI की मदद से दे देगा आपको। और देख सकते हैं काफ़ी कमाल की वजह से सब पिक्चर हमें देखने को मिलता है, और उसे आप लोग अपने फ़ोन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मिलता है। फिर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी वॉलपेपर जनरेट करके दे देगा, तो जितनी बार जनरेट करेंगे आपको यहाँ पर पिक्चर निकाल के देता रहेगा। पर इसमें यही है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से कमांड नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग अपनी मर्ज़ी से कमांड दे पाते हैं तो उसकी बात कुछ और होता है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट ग्रे डिस्टेंट माउंटेन रेंज विथ आइस, तो ग्रे को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हुआ उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंट माउंट रेंज जो है उसे हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रिवर कर दिया मैंने, और आइस की जगह मैं यहाँ पर वेप्स कर देता हूँ, उसके मैं जनरेट करता हूँ। तो जहाँ जहाँ हाईलाइट्स वगैरह मिलता है सिर्फ वहीं पर हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह जनरेट करके काफ़ी कमाल की पिक्चर दोस्तों निकाल कर देता है, जनरेट करके देता है जेनेटिव AI वॉलपेपर। ये भी सैमसंग की गैलेक्सी AI की मदद से हमें जनरेट करके देता है वॉलपेपर। इसके अलावा दोस्तों गैलरी में ओपन करेंगे, फोटोज़ को स्वाइप अप करेंगे तो आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है कि आप लोग इस फोटोज में क्या करना चाहते हैं। आप लोग को सजेशन देखने को मिल जाता है कि आप लोग इस फोटो के साथ क्या करना चाहते हैं, रीमास्टर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं। तो इस तरह के आप लोगों को सजेशन भी देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हैं, फोटो से किसी चीज़ को रिमूव करना है, किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो आप लोग यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग को AI का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर AI पर आने में आप लोग ड्रॉ करेंगे तो इसे आप लोग रिमूव कर सकते हैं, तो सिलेक्ट हो गया, रिमूव हो गया, इसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रहा है, तो जनरेट करते ही आप लोग को जो एम्प्टी एरिया है वो वहाँ पर
आपके सेम लोकेशन के हिसाब से वो फिल हो जाएगा एआई की मदद से। तो देख सकते हो जो मिसिंग प्लेस है वो यहाँ पे एआई की मदद से वहाँ पे फिल हो रहा है, और आप लोगों को समझ में भी दोस्तों नहीं आता, काफ़ी अच्छी तरह की एआई एडिटिंग देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आया, ये ओरिजिनल फोटो है और ये इस तरह की है, तो एडिटिंग अच्छा यहाँ पर कर लेता है। तो ये जो गैलेक्सी एआई फीचर्स है आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में तो देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, पर उसके अलावा S23 सीरीज में जितनी भी डिवाइसेस है उनमें वन वाई 6.1 के अपडेट के बाद से देखने को मिल जाता है। Z5, Z5 Fold, S22 सीरीज या S23 FE फाइनल एडिशन वाला सीरीज दोस्तों, उसमें जब भी आपके फ़ोन में वन वाई 6.1 के अपडेट मिलेगा उसके बाद से आप लोगों को उन फोन्स में गैलेक्सी एआई के फीचर्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर गैलेक्सी एआई के फीचर्स आपके फ़ोन में सैमसंग कीबोर्ड में इंटरप्रेटर सैमसंग नोट्स वर्ड्स रिकॉर्डर सैमसंग इंटरनेट फोटो एडिटर में सब कुछ देखने को मिल जाता है, और आपको थर्ड पार्टी में भी देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर भी हैं तो आप लोग को व्हाट्सएप पर भी चैट ट्रांसलेशन सपोर्ट मिल जाता है, जैसा कि कोई किसी ने आपको मैसेज किया उस पर लॉन्ग टैप करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग एआई वाले बटन पर, तो देख सकते हो आप लोग को चैट ट्रांसलेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप लोग चैट ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑटो मिलता है और यहाँ पर ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हो आप लोगों अरे आप कैसे हैं, तो इसकी सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने कुछ लिख रखा है कहीं पर टाइप वगैरह कर रहे हैं कहीं पर चैट कर रहे हैं और सैमसंग कीबोर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग सैमसंग कीबोर्ड में इस एआई बटन पर क्लिक करके इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं या फिर ग्रामर को चेंज कर सकते हैं, अगर कोई ग्रामर वगैरह यहाँ पर मिस्टेक है तो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर राइटिंग स्टाइल में जाएंगे आप लोगों तो यहाँ पर बहुत ही कमाल के दोस्तों, अगर मैं बताऊँ मुझे कोई एप्लीकेशन हो या फिर कोई लेटर वगैरह लिखना होता है तो मैं इसकी मदद ज़रूर लेता हूँ। मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, मतलब अपने रिलेटेड टॉपिक में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पर राइटिंग स्टाइल में जाता हूँ और देख सकते हैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल प्रोफेशनल आपको टाइपिंग दिखा के दे देता है। मैं जो भी लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हूँ उसकी प्रोफेशनल लेटर एप्लीकेशन टाइप आपको यहाँ पर बना के दे देता है। इसके अलावा आप लोग को और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पर इसे कॉपी या इंसर्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कॉपी और इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्टली आप यहीं से इंसर्ट करेंगे तो आपकी जो पुरानी वाली टेक्स्ट है जो भी लैंग्वेज या फिर एप्लीकेशन है वो रिमूव यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कमाल की गैलेक्सी एआई फीचर्स हमें गैलेक्सी के डिवाइस में S24 सीरीज में देखने को मिलता था पहले से, पर आप लोगों को पुराने वाले फ़ोन में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि S23 सीरीज में तो देखने को मिल ही गया है, S22 सीरीज में देखने को मिलेगा, बाकी और दीगर डिवाइसेस हैं जिनमें आपको गैलेक्सी एआई फीचर्स देखने को मिलेगा, वाई 6.1 के अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे समर सेल आने वाला है और इस सेल में आप लोगों को बहुत सी डिवाइसेस में बहुत सी डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में डिस्काउंट मिलेगा, S23 FE आप लोगों को 34,000 का मिलने वाला है, S23 आप लोगों को 45,000 का देखने को मिलने वाला है, तो बहुत सी डिवाइसेस में बहुत सी डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है फ़ोन्स की, अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से बाई करके आप लोग हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं।